आरोप है कि टी सीरीज के प्रोजेक्ट में काम दिलवाने का लालच देकर एक 30 वर्षीय महिला के साथ रेप किया। डीए नगर पुलिस ने भूषण कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। काम दिलाने के नाम पर 2017 से 2020 तक महिला पर अत्याचार किया। महिला ने आरोप लगाया कि 3 अलग अलग जगह पर उसके साथ अत्याचार किया गया है। पुलिस का कहना है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जाएगी। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि 3 साल से भूषण कुमार ने प्रोजेक्ट में काम दिलाने के नाम पर मेरे साथ अलग अलग जगह पर दुष्कर्म किया, साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। भूषण कुमार इस समय मुंबई में नहीं है। बता दें कि 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान भूषण कुमार पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि भूषण कुमार ने भी इस मामले में पक्ष रखते हुए सारे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सब उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। उनकी पत्नी दिव्या भी भूषण के सपोर्ट में आई हैं। दिव्या ने ट्वीट पर लिखा था, टी सीरीज आज जिस मुकाम पर है वो मेरे पति की कड़ी मेहनत की बदौलत है। लोग तो भगवान कृष्ण के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। हालांकि मीटू मूवमेंट का उद्देश्य समाज से गंदगी को हटाना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पर्सनल लाइफ में भूषण कुमार शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी दिव्या खोसला कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। दिव्या और भूषण का एक बेटा है। ये पहली बार नहीं है जब भूषण कुमार के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। Thank you.